आम जनता से मैं पूछना चाहूंगा महाराजा सुरेंद्र जी के आगे उनका सरनेम लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, आज तिलक नगर में सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के द्वारा महाराजा सुरेंद्र राजभर जी की जयंती मनाई गई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और आज हमारे साथ है सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी, प्रमुख महासचिव अजय राय जी और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गौंड जी है। तो आज हम जानना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी जो सुरेंद्र जी के ऊपर नाम रखा और जन जन तक आज सुरेंद्र जी के नाम की गूंज आज पूरे विश्व में गूंज रही है, तो क्या इतिहास रहे ओम प्रकाश जी को जाता है? देखिए, महाराजा सुरेंद्र जी का इतिहास बहुत पुराना है और उस इतिहास को जो हमारे समाज के नेता रहे उनके समय ही, चाहे भरदोही जिसको आप भदोही कहते हो, भरदोही का नाम जब परिवर्तित हो रहा था उसी समय आर के चौधरी उस समय था और हमारे समाज से कुछ नेता उनके साथ में थे और उसका कोई विरोध नहीं किया। इसी बात को लेकर के माननीय नेताजी जब 2002 में भारतीय समाज पार्टी बनाते हैं, लेकिन उनको एक कसम खाते हैं कि नहीं, 2004 में जाते जाते जब देखते हैं महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, 2004 में वह पार्टी के आगे सुहेलदेव लिखते हैं और यह कसम खाते हैं कि पूरे देश में पाताल से निकाल करके महाराजा सुहेलदेव जी का हम नाम करेंगे। और 2002 के बाद मेरे मित्रों, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो स्थिति आ रही है कि आज पूरे वर्ल्ड में लोग सुहेलदेव जी का इतिहास जानना शुरू, गूगल पे अगर सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है तो महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के बारे में सर्च हो रहा है। तो अब धीरे धीरे महाराजा सुहेलदेव कौन थे इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पे आरोप भी लगते रहे कि सुरेंद्र जी के नाम से वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह करने की बात नहीं, देखिए विरोधी तमाम आरोप लगाएंगे और जिनको कुछ करना नहीं, हम तो 80 के दशक से देख रहे हैं जब माननीय दूतनाथ राजभर जी समाज के एकलौता विधायक थे और उस समय से समाज के नाम पे राजनीति उठी चली गई, लेकिन किसी ने महाराजा सुहेलदेव और राजभर समाज को आगे नहीं किया। और जब से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं 2002 के बाद से समाज जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया, आज जो है समाज किसी पहचान का मुहताज नहीं है कि राजभर समाज का आप नाम ले लीजिए तो राजभर नाम से लोग सब जानने लगे हैं, क्या देन जो है माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी। अजय राय जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि राजभर समाज में काफी लोगों की आलोचना होती है कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम राजभर क्यों नहीं लगाया जाता है, राजभर समाज में नेता बहुत से हुए लेकिन किसी ने महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर नाम जोड़ने की कोशिश नहीं की, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो सरकार लोडरों की हो तो राजभर समाज का नाम कहाँ से आगे लेगा। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी लीडर है, समाज के लीडर है, उन्होंने जो भी काम किया है उसने समाज के लिए किया। अगर आज अगर राजभर अपनी पहचान जानता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, आप कहते हैं कि राजभर समाज की सीधी आप प्रतिमा बना लो या कोई आप कॉलेज बना लो, वहाँ पे राजभर, वहाँ राजभर लिखे कैसे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोडर लोग लीडर होते हैं तो उनको इतना ज्ञान होता है राजभर समाज से आते हैं हमें काम करना चाहिए। तो क्या लगता है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पार्टी के आगे सुहेलदेव जी का नाम लिखा है, तो क्या लगता है आने वाला भी चुनाव आ रहा है, चुनाव अगर सपा और सुभाषपा गठबंधन का जो सरकार बनती है, क्या लगता है कि महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर नाम लिखा जाएगा? देखिए, पार्टी जो बनी है, पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक आराध्य हमारे भगवान है, उनको पहले हमारी पार्टी समाज भारतीय समाज पार्टी थे, तो हमने और पार्टी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारे पूर्वज हमारे राजा का अगर नाम हो तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रखेंगे, जिससे कि हमारे समाज को पता चले कि हमारे भी राजा थे जो 1009 ईस्वी से 1077 तक उनका शासन था। तो आप अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए
और ये अगर कह देना कि नहीं ये यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, महाराजा सुरेंद्र राजभर जी का नाम लेकर उनको बदनाम कर रहे हैं, तो ये भूल है। ये सबके राजा हैं, ये पर्सनली कहे कि उनके कोई हावी हो जाता नहीं। राष्ट्र का राजा सबका राजा होता है, राज्य का राजा सभी का राजा होता है, तो इसमें राजनीति। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, महाराजा सबके होते हैं, लेकिन उनका भी तो कुछ सरनेम होना चाहिए। बाकी जैसे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, राणा प्रताप सिंह का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जाति को जोड़ा जाता है। तो बीजेपी सुरेंद्र जी को लेके आपस में लड़ाने का काम करती है, तो आज कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी को लेके लोग आपस में लड़ रहे, कोई अपना राजा बोल रहा है, कोई अपना राजा बोल रहा है, कोई अपना राजा बोल रहा है, तो ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए अगर हमारे पूर्वज को कोई अपना पूर्वज, अगर हमारे पिताजी को अपना पिताजी मानता है, तो बड़ी गर्व की बात होती है कि आज हम उस लायक हो गए हैं कि हमारे बाप का आज बाप तैयार हो गए हैं, कि आज उनको पता चल गया है कि राजभर समाज आपके अंदर क्या चीज होता है, अगर हम इनको नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। थोड़ा रुकना चाहूंगा, जैसे आपने आगे सरनेम लगा दिया, तो आम जनता से मैं पूछना चाहूंगा, महाराजा सुरेंद्र जी के आगे उनका सरनेम लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये राजनीति उनके महाराजा सुरेंद्र जी को लेकर राजनीति होती रहेगी, तो क्या लगता है सर, ये राजनीति बंद होगी कि नहीं होगी? देखिए राजनीति तो होती रहेगी, जब किसी पूर्वज को अगर आप पाताल से निकाल के आप सामने आईने की तरह रख देंगे तो वहाँ पे राजनीति करने वाले करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका रीजन है, जब उगता हुआ सूरज चढ़ता है ना तो अंधियारे को दूर भगा लेता है। तो सुहेलदेव महाराज का एक ऐसा नाम है जिसने राष्ट्र रक्षक राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उनको इस तरह से गाड़ दिया गया था कि हमारे समाज के कई नेता थे, पहले नेता थे भूपनाथ राजा, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उनके समय से लेके अभी तक अगर कोई नेता पैदा हुआ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पैदा हुए, जो कि अपने समाज के अपने लोगों को जगा के उनको उस चीज का परिचय कराया है कि आप उस वंश के हो जिसके आप किसी चीज के मोहताज नहीं हो, राज्य निर्माण जो राजभर के नाम पे राजनीति करना चाहेंगे, ये गंदा काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।